नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक खबर बताया था जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के टर्निंग स्टार खेसारी लाल यादव अपनी अपकमिंग फिल्म फरिश्ते की डबिंग यानी कि मुंबई में कर रहे थे, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ अपोजिट में मेघा श्री नजर आने वाली है और वो फिल्म जो है वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाली है। लंदन से खेसारी लाल यादव वापस कर चुके हैं और वापसी के बाद तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स जो उनको निपटाने हैं वो पूरे के पूरे निपटाने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में जब वो मुंबई पहुंचे तो फरिश्ते की तस्वीर आई और इसके अलावा जो है एक तस्वीर और आ गई है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये खेसारी लाल यादव का बंगला है, खेसारी लाल यादव का घर है, जहां पर वो नीचे जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। पीछे उनकी गाड़ी जो फॉर्चूनर है वो खड़ी है और यहां से तमाम तस्वीरें जो है वो खेसारी लाल यादव के आते रहते हैं। और इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पराग पाटिल जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है विधायक रह चुके हैं संजय यादव, जो कि S4U भोजपुरी चैनल भी चलाते हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है खेसारी लाल यादव हाफ पैंट में नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि मुंबई में कहीं ना कहीं ठंडी नहीं होती है, गर्मी का मौसम है, तो वो नीचे घास पर बैठे नजर आ रहे हैं और भी इनके साथ जो है दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग जो है वो कह रहे हैं कि देखिए, आप सभी के चहेते सुपरस्टार जो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड करता है, सबके नजरों में खेसारी लाल यादव का एक बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी वो अपने घर पर एक आम व्यक्ति की तरह हाफ पैंट में जमीन पर और घास पर बैठे नजर आ रहे हैं। तो लोगों को ये तस्वीरें काफी ज्यादा पसंद आ रही है और मुझे लगता है कि फैंस को पसंद भी आना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार जो आपके दिलों में रहते हैं वो अगर इस तरीके से डाउन टू अर्थ नजर आते हैं तो लोगों को तस्वीरें काफी ज्यादा पसंद आती है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। खैर, इन तस्वीर पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।